मेरे मम्मा पापा को बोला गया कि आप लास्ट टाइम मिल लो इससे एक बार, भी ऑपरेशंस के लिए लेके जा रहे हैं। तो मैंने मेरी मम्मा को ना इशारा किया और स्माइल की, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मेरे में ना उस टाइम मेरे को इतनी शक्ति आ गई थी ना कि मेरे को एक ही चीज दिख रही थी, जिंदा रहना है और उस बंदे को मैंने पकड़ना है एक दिन। मैंने स्केच बनवाया और उस स्केच के जैसे नेक्स्ट डे तीन बंदे पकड़े गए और उन तीनों की शक्ल सेम थी। मैं सच बोलूं, जब वो मेरे सामने आए थे ना, मेरे को वो तीनों सेम लग रहे थे। तो मैंने बोला, सर जिसने मेरे को मारा है उसको मैंने भी मारा है, उसके पेट पे जख्म होगा, उसके गले पे भी जख्म हो गए, मैंने प्रॉपर फाइट बैक की है। तो क्या वो, उन्होंने बोला कि भाई इनकी बनाने उतरवा दो, तो उतरवाई तो एक के जख्म मिल गया, वही वाला। मैंने बोला ये है, उसको पूरी रात रखा रिमांड पे, सुबह वो मान गया कि वही बंदा है ना, पकड़ा गया वो बंदा। मैंने पूरा केस लड़ा, तो एंड में मैं 2015 के दिसंबर में मैं केस जीत गई और उसको उम्र कैद हो गई। वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात, सो प्राउड ऑफ यू। क्या बात यार, आई थिंक एक रोडी सैल्यूट भी मिलना चाहिए इनको। बनता है। थैंक यू सर, थैंक यू। यू नो, जितनी तालियां आपके लिए उतनी तालियां उस फैमिली के लिए जिसने आपको वहां से उठा के हॉस्पिटल में ले गया। थैंक यू सो मच। आप जैसे लोग होते हैं तो ऐसे लोग निकल के आगे आते हैं जो लोगों को इंस्पायर कर पाते हैं। प्लीज़, अगर आपके आसपास कुछ भी ऐसे लोग देखते हैं, अब तो गवर्नमेंट ने ही बोल दिया है कि किसी के ऊपर ऐसा केस नहीं आएगा अगर वो उठाकर उसे हॉस्पिटल में पहुँचाएगा, तो प्लीज़ अगर आपके सामने ऐसे लोग आते हैं तो उनकी हेल्प ज़रूर करो। सुना तेरे को ब्रेवरी अवार्ड भी मिले उसके लिए। तो जब मैं केस जीती, वो बंदा पकड़ा गया जो पकड़ा ही नहीं जा रहा था और वो मेरे स्केच से पकड़ा गया, तो फिर पहले मेरे को डिस्ट्रिक्ट ब्रेवरी अवार्ड मिला। वीरता अवार्ड मेरे को 2013 में मिल गया था यूनिवर्सिटी में। फिर मेरे को स्टेट ब्रेवरी अवार्ड मिला। फिर मेरे को अभी नेशनल मिला 2021 में दिल्ली से। तो एक भांगड़ा हो जाए फिर। हो जाए जरूर। भांगड़ा यार, भांगड़ा। म्यूजिक प्लीज। मरमी दे, आपकी बड़ी इंस्पायरिंग सी स्टोरी है, लेकिन रोडीज की जो दुनिया है इसमें तो बहुत सारा कुछ, तेरे को पता है ना, चैलेंजिंग चीजें होती हैं। सर मैं सब कर लूंगी। चलो भैया, अभी गैंग लीडर्स आपका नंबर है। वैसे इसका प्रोसीजर है मनप्रीत कि अगर हमें कोई पसंद नहीं आता तो हम रेड लाइट चला देते हैं, पर आपके केस में ऐसा मैं बताऊंगा, मेरे पास 6 लड़कियां, मैं नहीं ले सकता हूं, बट मैं आपके लिए रेड लाइट नहीं चलाऊंगा। आई थिंक, मेरे को लगता है कि कोई भी नहीं जलाने वाला, पर मैं आपके लिए कुछ करूंगा कि मैं सोनू सर को कन्विंस करूंगा कि उनके पास एक पावर है, अगर उस पावर का यूज़ करते हैं और हमारे हाथ में खेल आता है तो शायद आप इस गेम में आ सकते हैं, पर वो पावर सोनू सर के हाथ में है, सोनू सर के पास है। आप लोगों की क्या फाइनल डिसीजन? रेड तो नहीं है सर। सर मैं उस वाहिगुरु जी की कसम खा के, तो मेरी बहुत हिम्मत है, मेरे को पता है मेरी हिम्मत। रोडीज देखा तूने ना पहले, रो के किसी ने कुछ हासिल किया आज तक यहाँ पे? नहीं सर, पर लड़के की है ना, और तू लड़ाई तो अपने लड़ने के लिए तो जानी जाती है, तूने प्रूव किया है। तू रोडी बन गई। रोडी बन गए आप। कांग्रेचुलेशन। God bless you. वो बोलते हैं ना, कई बार कांड से ऊपर कर्म जीते हैं ना, तो तेरे कर्म जीते हैं। अक्सर जब ये ग्रीन बत्ती जलती है तो रिवर्स ब्रीडिंग होती है, मतलब कि सब लोग बोलते हैं कि यार मैं रोडियम लगाऊंगी और ये किसी और गैंग के अंदर जाए, पर तेरे साथ रिवर्स ब्रीडिंग नहीं होगी और तुझे रिया के गैंग में जाना चाहिए, क्योंकि ये भी बड़ी स्ट्रांग लड़की है। Happily. और तू रिया के गैंग में जाएगी। Thank you. Welcome to Rodies. No more crying. Welcome to Rodies.